माहौल देखिए, होली तो हमारे देश का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बड़ा जोश भी रहता है और बहुत मस्ती भी रहती है, पूरा मस्ती से भरा माहौल है। बस सबका संदेश एक तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दूसरा सब लोग थोड़ा सा अपना प्रिकॉशंस लें, मास्क ज़रूर पहने रखें, यथासंभव प्रयास करें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस, कितना भी भीड़ सभी को, दर्शकों को, सुनने वालों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी के लिए आने वाली होली का त्यौहार बहुत शुभ रहे, सभी को मंगलमय हो। और साथ ही एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि पिछला साल सबके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, पूरा देश दुनिया में पूरा कठिनाइयों वाला समय रहा है और अभी भी वो समय गुजरा नहीं है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दोबारा से इन कोविड के केसेस में इंक्रीज़ हो रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, त्यौहार मनाएँ और अच्छे से त्यौहार मनाएँ, लोगों के साथ त्यौहार मनाएँ, पर थोड़ा सा जो जो नॉर्म्स हैं, इसके जो रूल रेगुलेशन हैं जो सरकार टाइम पर जारी करती रहती है, उसका पालन जरूर करें क्योंकि कोविड अभी हमारे बीच में है। आयोजन ये पूर्वी दिल्ली की जो वैश्य महोर सभा है उसके द्वारा आयोजन किया गया है, उसके अवधेश भाई हैं आयोजकों में से, नवीन भाई हैं, ये सब लोग राजू गुप्ता जी हैं, इन सबको बधाई है कि ये बहुत अच्छा आयोजन किया है इन्होंने। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि पिछला पूरा साल बहुत नीरसता वाला रहा, बहुत डिप्रेसिंग वाला रहा, तो उसके बाद इस तरह के आयोजन बहुत अच्छा लगता है, सब हम सब लोगों के बीच में एक थोड़ा उत्साह की नई स्फूर्ति आती है, तो इन सबको, आयोजकों को बहुत बधाई। नहीं देखिए, बीजेपी एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे कि सीएम साहब ने भी कहा था कि जैसे हम लोग बच्चे खेलते हैं, अगर एक बच्चा हार जाता है तो वो कहते हैं नहीं बैट बॉल मेरा है, मैं बैट बॉल लेके चला जाऊंगा, किसी को नहीं खेलने दूंगा। तो बिल्कुल जो देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को क्लेम करती है बीजेपी, वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह व्यवहार कर रही है कि अगर उनको दिल्ली की जनता ने दो बार लगातार हरा दिया है, तीन बार अगर उनको नहीं मौका दिया है दिल्ली में लगातार, तीनों बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना है और बड़े मैंडेट के साथ चुना है, जिसमें से दो बार, एक बार 70 में से 67 और एक बार 70 में से 62 सीटें दी हैं, तो वो उन पर, उनको झेला नहीं जा रहा, उन पर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वो छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करके पीछे के गेट से एंट्री करके दिल्ली की सत्ता चलाना चाहते हैं, जिसका दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी। पार्टी का क्या रुख है? पार्टी जाएगी, पब्लिक के बीच में जाएगी पार्टी, जनता की, जनता ने चुनके दिया है, जनता ने चुनके कहा है कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लिए अच्छा काम कर रही है, तभी उन्होंने दोबारा इतना बड़ा मैंडेट दिया कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में कि 70 में से दोबारा 62 सीट दी, ये अपने आप में इतिहास है इतना बड़ा मैंडेट मिलना। लेकिन अगर उसके बावजूद भाजपा अपनी इन छोटी छोटी ओछी हरकतों पर आ रही है तो जनता के बीच दोबारा जाएंगे और जनता को बताएंगे, और जनता ने अपना जवाब दिया भी, मैंने एक न्यूज़ चैनल पर देखा था कि उसके सर्वे में दिल्ली में सवाल पूछा गया था कि दिल्ली का मालिक दिल्ली की सरकार है या जी, तो दिल्ली की 90% जनता ने कहा है कि दिल्ली की सरकार ही दिल्ली की मालिक होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य में हो, तो दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, लोगों को समझाएंगे। ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि दानवीर बाबा साहब जी हमारे मकसद थे, उनको दानवीर इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने महाराणा प्रताप को अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दी थी जब उनका मुगलों से युद्ध चल रहा था, तो वो दानवीर बाबा साहब के हम वंशज हैं और दिल्ली में हम 10 लाख लोगों की आबादी है हमारी, और हम लोग ये समय समय पर प्रोग्राम करते रहते हैं, होली का प्रोग्राम, दीपावली का प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं समाज को 100% रखने के लिए। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हमारा समाज एकजुट रहे और आने वाले निगम इलेक्शन के लिए हमने तैयारी कर रखी है कि हमारे समाज को जो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगी हम उसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। मेन रहे कम से कम 1000 से 1500 लोग हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए मैं अपने समाज के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद, आप लोग आए, आपने, ये मीडिया का माध्यम ऐसा है कि आप इसे जन जन तक आवाज़ पहुँचती है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो थोड़ा मुश्किल जरूर होता है लेकिन हमने गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से प्रोग्राम को रखा था, उस हिसाब से प्रोग्राम हमारा चल रहा है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए हमने सबको गेट पर ही मास्क सबको दे दिए थे और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था करी थी यहाँ पर, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोगों ने पालन किया यहाँ पर, इसके लिए मैं लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोरोना काल के अंदर उन्होंने हमें ऐसा प्रोग्राम कर पाए उन लोगों की वजह से, इसलिए हम अपने लोगों का बहुत होली के लिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को, जितने भी लोग हमारे देश में रहते हैं सबके लिए होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा,
कि इस मंगल मिलन त्यौहार पे मिल के रहे, एकजुट होके रहे और कोरोना काल से मुक्ति के लिए एकजुट हो जाएं सब लोग, तभी हम एकजुट होके कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं।